हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग घटनाचक्र से इतिहास कर रहे हैं, इतिहास का प्राचीन काल कर रहे हैं, जो होगा वैदिक काल होगा। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसको किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो है ना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान रखिए। यह वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। मतलब उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख है लेकिन ऋग वैदिक में लोहे का उल्लेख नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। कितनी नदियों का वर्णन है? 21 नदियों का वर्णन। ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन है जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की चार नदियां क्रूमु, कुभा, गोमती, सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त संदर्भ प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख मिलता है? 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, सतुद्रित तथा अस्कनी। ऋग्वेद में यमुना नदी को 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी को 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्विर्धा का उल्लेख मिलता है। इसमें कश्मीर की एक नदी का नाम क्या है? मरुद्विर्धा का उल्लेख मिलता है। और यमुना कितनी बार चर्चा है? तीन बार। गंगा का एक बार। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक अधिक बार उल्लेख हुआ है। जबकि ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन था? सरस्वती था, जिसमें मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है। देवेतमा एवं नदीतमा कहा गया है, जिसको नदियों में प्रमुख है ये सब। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययी कहा गया है। आर्थिक महत्व का कारण सिंधु नदी को क्या बोला गया है? हिरण्ययी कहा गया है। इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। गिरने की जगह परावर्त या अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मसी देश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा है। हिमालय और विंध्याचल के पर्वत के बीच को नाम क्या रखा है? मध्य देश रखा है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया है। जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। 1400 ईस्वी के बोगस गई के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। मतलब कि इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है बोगस गई अभिलेख में, जिसको कि एशिया माइनर कहते हैं। मैंने पूछेगा कि ऋग्वेद काल में देवताओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? बोगस कोई अभिलेख जिसको एशिया माइनर कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद की काल की नदियां, देखिए अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाब। अभिपाशा का आधुनिक नाम व्यास। अपरुष्णी का आदेशिक नाम रावी। वितस्ता झेलम। कुभा काबुल। क्रूमु कुर्रम। गोमती का आधुनिक नाम गोमल। सुवास्तु स्वात। सतानीरा गंडक। सुतुद्री सतलज। दृश्य दिशद्वती घाघर। दिशद्वती का आधुनिक नाम क्या है?
घग्गर और प्राचीन नाम दृष्टोति, किसका है घग्गर का प्राचीन नाम। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, वैदिक साहित्य को क्या बोला जाता है श्रुति, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ, क्या होता है सुना हुआ। भारत साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है, वेद चार हैं, कौन कौन है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में कौन कौन वेद आता है, चार गो वेद, चार गो है, तीन गो वेद त्रयी में, तीन गो ऋग्वेद यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, ये वेद त्रयी में आते हैं। प्रत्येक वेद के चार भाग होते हैं, संहिता ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक और उपनिषद। प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं ब्राह्मण संहिता अरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल, कितना मंडल है 10 मंडल है, 10 मंडल और कितनी सूक्त है 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त और ऋचाएं कितनी है 10552 ऋचाएं, 11000 मान सकते हैं। ऋग्वेद में कितनी मंडल है बताइए, 10 मंडल और कितनी सूक्ति है 1028 ऋचाएं 10552 और 1,00,000 मंत्र है और 1,017 सूक्त साकाल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं, ऋग्वेद के कितना 2 से 7 तक के मंडल को क्या बोलते हैं प्राचीन मंडल बोला जाता है, 2 से 7 तक के मंडल को प्राचीन मंडल बोला जाता है, 2 से 7 तक के मंडल को प्राचीन मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख, ऋग्वेद के कितने मंडल में तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ऋग्वेद के कितने मंडल में तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनात्मक शिवामित्र विश्वामित्र, इसके रचनात्मक कौन है, रचना करने वाला विश्वामित्र है। यह सविता को समर्पित है, सविता मतलब सूर्य देवता को समर्पित है, सविता मतलब किसको समर्पित है सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त स्वयं को समर्पित है, ऋग्वेद के जो 9वें मंडल हैं उसमें जो 114 सूक्त हैं जो किसको समर्पित है स्वयं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, बताइए शूद्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिला है, 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, ऋग मंडल के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करके यह संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था, होता। एतरे तथा कौशिकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, एतरे और कौशिकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं। एतरे ब्राह्मण में सुना से आख्यान का वर्णन मिलता है, अब देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है, कर्मकांड किसमें है यजुर्वेद में। ये वेद गद एवं पद दोनों में, कौन वेद गद और पद दोनों में, गद और पद दोनों। हाँ, यजुर्वेद के कर्मकांड को संपर्क कराने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं, अधर्यु कहा जाता है और ऋग्वेद को होत्री कहा जाता है और यजुर्वेद को यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। कौन यजुर्वेद पद और गद दोनों में है बताइए, गद और पद दोनों में ये हो गया कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद केवल पद है। हाँ, केवल पद में। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, यजुर्वेद का अंतिम भाग कौन है बताइए, ईशोपनिषद है, यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद, ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कर्म तथा माध्यान्दिन्द है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसने भी कहा गया है क्योंकि वाजसनी के पुत्र याग वल्क्य इनके द्रष्टा थे, कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्रीय काठक मैत्रायणी तथा कपिष्ठल। सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सतपथ ब्राह्मण किसका है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण पूछेगा तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सतपथ ब्राह्मण। इनमें पुनर्जन्म का सिद्धांत जल प्लावन कथा
और पुरुरुवा उर्वर्षी आयाख्यान तथा पुरुष मेघ का वर्णन है। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस में है? शतपथ ब्राह्मण में। साम का अर्थ संगीत अथवा गौण होता है। साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। साम वेद में किसका संग्रह है? गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। क्या बोला सर? उद्गाता। साम वेद के गाने वाले को उद्गाता। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 कुछ विद्वानों जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथिमीय, रानायनीय एवं जैमिनीय। जैमिनी किसकी है शाखा? सामवेद की प्रमुख शाखा। अब देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र है। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। इसमें 1200 मंत्र किसके हैं? ऋग्वेद के। अथर्ववेद में हाँ। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोला जाता था? ब्रह्मा कहा जाता था। उद्गाता किसको बोला जाता है? सोम वेद वाले को। उद्गाता जो गाता था। और अधर्व्यु यजुर्वेद और होत्री ऋग्वेद। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। मगध तथा अंग को दोनों को दूरस्थ प्रदेश किस वेद में कहा गया? अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति के प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है। इसमें सभा और समिति की दो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। हाँ, इनमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की दो शाखाएं उपलब्ध है, पिपलाद तथा सोनाक। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं, पिपलाद और सोनाक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। किसमें यम और नचिकेता का? कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद संकलित है। कंठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कंठोपनिषद किसका उपनिषद? यजुर्वेद का उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कंठोपनिषद। कंठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका कोई अरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक को क्या बोला जाता है? वेदांत कहा जाता है। ठीक है। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतु गुरु के समीप बैठना। ठीक है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। प्रथम बार मोक्ष की चर्चा किसे मिलती है? उपनिषद में। प्रथम बार मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। श्वेतांश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। वेदांग की संख्या कितनी है? छह। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छांद तथा ज्योतिष। कौन कौन है वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छांद और ज्योतिष। देखिए, सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने, उनके स्थान, चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ये 18 है। देखिए, मत्स्य है, मार्कंडेय है, भविष्य है, भागवत है, ब्राह्मण है, ब्रह्मवेवर्त है, ब्रह्मा है, वमन है, वराह है, विष्णु है, वायु है, अग्नि, नारद, पदम, लिंग, गुरुर, कुर्म तथा स्कंद है। ये कुल मिलाकर 18 पुराण है। इसकी रचना लोम हर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा की गई। पुराणों की रचना किसके द्वारा? लोम हर्ष ऋषि और उसके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा। उग्र सर्वा द्वारा की गई। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था।
हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत, मथानी के रूप में पर्वत का उपयोग हुआ, मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया। राजा वासुकी का प्रयोग किया गया, मतलब उसमें जो है सर्पों के राजा जो था ना वासुकी, उसका प्रयोग रस्सी के रूप में किया गया था। और मथानी के रूप में जो कि मत्ता है उसका प्रयोग किसका था? पर्वत था, पर्वत था, पर्वत था, मंदरांचल पर्वत, मंदरांचल पर्वत। विष्णु ने कुमरा अवतार धारण कर मंदरांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था, कछुआ का धारण था। विष्णु ने कुमरा अवतार धारण कर मंदरांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। वो जब गया तो डूब गया, तो कहा कि तो डूबिए जा रहा है, तो कछुआ का रूप धारण कर लिया। अनु दुहा पुरु यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया है। पंचजन में कौन कौन था? अनु दुहा पुरु यदु तथा तुर्वस को पंच जन कहा गया, जन कहा गया। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था, धन जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता या बड़ा भाई, पिता अथवा बड़ा भाई होता था कुलप परिवार का स्वामी, ठीक ना। ग्राम का मुखिया ग्रामीण तथा विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था। दशराज दशराग के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। दशराग युद्ध का दशराज युद्ध का उल्लेख सातवें मंडल ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। ये युद्ध जो हुआ था रावी नदी परुसनी जो है रावी नदी के तट। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। इस युद्ध परुसनी नदी आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज युद्ध किस नदी पर, किस मंडल में है? सातवें मंडल में। किस वेद में? ऋग्वेद में, ऋग्वेद के सातवें मंडल। कौन? दशराज युद्ध। दशराज युद्ध भारत के राजा सुदास तथा दस राजाओं के एक संघ, दस राजाओं का एक संघ तथा दस राजाओं के एक संघ पंचजन के मध्य हुआ था। इसमें पंचजन तथा पांच लघु जनजातियां अलनी पक्त भलांत शिव तथा विशौनी के राजा सम्मिलित थे। इस युद्ध में सुदास की विजय होती है। इस युद्ध में दशराज युद्ध में किसकी विजय होती है? सुदास की विजय होती है। सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वेद युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदत अर्थ आर्यों के प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित सेनानी तथा ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? पुरोहित सेनानी, सेनानी तथा ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। पुरोहित युद्ध के समय किसके साथ जाता था? राजा के साथ, राजा के साथ जाता था। और गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होता था? परिवार या कुल, परिवार या कुल होती थी। ऋग्वेद समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज थी। कैसा था? वरुण सूक्त के सुनय शेष आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपने संतान को बेच सकता था। देखिए, वरुण सूक्त के सुनय शेष आख्यान से ज्ञात होता था, होता है कि पिता अपने संतान को बेच सकता था। ऋग्वेद कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किसका प्रयोग हुआ है? शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य क्षत्रिय, उरु से अजंगा, से भाग से वैश्य तथा पैर से शूद्र प्राप्त हुआ है, उत्पन्न हुआ है। कौन? विराट पुरुष के विभिन्न अंग से हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ट अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गौधन पाला जाता था। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। बाद में इसका अर्थ क्या हो गया? एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा का स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। गोत्र प्रथा का स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी।
आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम है। अब्राहन वेदों के को न मानने वाला, आर्यों द्वारा जो है ना अनार्यों को कुछ नाम दिया गया था, जैसे कि अब्राहन दिया गया, अयज्वन, अनासह, अदेरवायु, अवर्त तथा मृदवादक, ये सब नाम दिया गया। मृदवादक मतलब कटु वाणी बोलने वाले। देखिए सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। किस ब्राह्मण में कहा गया है पति को पत्नी को पति की अर्धांगिनी, किस ब्राह्मण? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायद अस्तम, जायद अस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहुतु कहा जाता था। कन्या के विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसको क्या बोला जाता था? वहुतु कहा जाता था। क्या बोला था? वहुतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षत्रज कहलाती थी। क्या कहलाता था? क्षत्रज। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्या कहलाता? क्षत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। समाज में सती प्रथा का प्रचलन का उदाहरण मिलता था? नहीं मिलता था। जो कन्याएं जीवन भर कुमारी रहती तो उसे क्या बोला जाता था? अमाजू बोला जाता था। जो कन्याएं जीवन भर अविवाहित रहती तो उसको क्या बोला जाता था? अमाजू कहा जाता था। और कन्या के विदाई के समय जो उपहार दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? वहतु बोला जाता था। और स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा से जो बच्चा पैदा होता था उसको क्या बोला जाता था? क्षत्रज। क्षत्रज कहा जाता था। ये सब कुछ याद रखिए। ऋग्वेद में घोषा, लोपा मुद्रा, विश्वारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा उन्होंने तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपा मुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपा मुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपा मुद्रा अगस्त ऋषि की, अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपा मुद्रा। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। आर्य जो कैसा भोजन करते थे? मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। सर्वाहारी थे। भोजन में दूध, दही, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर का उल्लेख मिलता है। जो के सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। हमने भी खाए हैं। ऋग्वेद काल में तीन प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीवी, वासस एवं अधिवासस। जो हम लोग अभी पहनते हैं। नीवी, वासस तथा अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। स्त्री एवं पुरुष ऋग्वेद में जो है वस्त्र कितने प्रकार में थे? तीन प्रकार में प्रचलित थे। ऋग्वेद आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। ऋग्वेदिक आर्य आमोद और प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। मनोरंजन के साधन क्या थे? रथ दौड़ और घुड़दौड़। वाद्यों में झांझा, मंजीरे, दुंदरवी, करकड़ी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों की संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। कृषि और पशुपालन आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद के मात्र कितने मंत्रों में कृषि का उल्लेख? 24 मंत्रों में ही मात्र कृषि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मराई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, कूप तथा अवट, अश्मचक्र आदि का उल्लेख है। ऋग्वेद समाज में व्यवसाय अनुवंशिक नहीं थे। ऋग्वेद समाज में व्यवसाय कैसे अनुवंशिक नहीं था? कोई भी कर सकता। ऋग्वेद में तक्षा मतलब बढ़ई, स्वर्णकार, चम्रकार, वाय मतलब जुल्हा, कर्म, कुंभकर आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किसका किसका उल्लेख मिलता है? बढ़ई का, स्वर्णकार का, चर्मकार का, जुल्हा का और कर्म मतलब धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। लोहार मतलब कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। कताई बुनाई का स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंधु तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे।
सिंधु तथा गंधार प्रदेश किस वस्त्र के लिए विख्यात थे? सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात कौन थे? सिंधु तथा गंधार प्रदेश। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निस्क का उल्लेख हुआ। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पनी वर्ग के लोग करते थे। किस वर्ग के लोग करते थे? पनी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वेद आर्य लोहे से प्रचलित नहीं थे। ऋग्वेद आर्य जो था ना, लोहे से प्रचलित नहीं था। देखिए ये देखिए अचपत है। ऋग्वेदिक कालीन शब्दावली कुछ अर्थ है, जैसे कि निवी। निवी किसको बोला जाता था? कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को निवी बोला जाता था। वासस किसको बोला जाता था? कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र को वासस बोला जाता था। अधिवासस किसको बोला जाता था? ऊपर से धारण किए जाने वाले चादर या ओढ़नी को अधिवासस बोला जाता था। तक्षा बढ़ई को कहता था। कर्म धातु कर्म करने वाले वेकनाट किसको बोला जाता था? शुद्धखोर वेकनाट को ऋग्वेद काल में। अरित्र पतवार को और इत्री किसको बोला जाता था? नाविक को बोला जाता था। देखिए ऋग्वेद साहित्य में ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है। जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास्कक के निरुक्त के अनुसार ऋग्वेद देवताओं की संख्या मात्र कितनी है? तीन बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वेद देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया है। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता एवं अंतरिक्ष के देवता। ऋग्वेद में देवताओं का वर्गीकरण कितने भागों में? 3 वर्ग में। कौन कौन? देवता, आकाश के देवता, अग्नि के देवता। देखिए पृथ्वी का देवता के रूप में पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम। पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम। और अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, आकाश के देवता में वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु और अश्विन। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, पर्जन्य, रूपा, रुद्र, आपह, वायु, वात आदि। इंद्रों को विश्व का स्वामी कहा गया है। इंद्र को क्या बोला गया है? विश्व का स्वामी बोला गया है। इन्होंने पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वार्थिक सुक्ति को समर्पित है। 250 इंद्र को समर्पित है। सर्वार्थिक सुक्ति जो है ऋग्वेद में वो 250 है ना, इंद्र को समर्पित। इंद्रों को आर्यों का युद्ध नेता था, वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता था, वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्ति समर्पित है। अग्नि को 200 उल्लेख और इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वेदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। ऋग्वेदिक काल में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। समुद्र का देवता किसको? वरुण को माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। नैतिक आचरण के लिए वरुण को नैतिक आचरण के, जिस पर वरुण हावी रहेगा उसका नैतिक आचरण बहुत अच्छा रहता। अच्छा रहता हाँ, जिस पर खत्म हो जाएगा। इसी कारण उन्हें ऋतु सियोगोपा भी कहा जाता है। ईरान में वरुण को अहुर मज्जा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल की सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल का जो 114 मंत्र है सब किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। किसको है? सोम को समर्पित है। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण है। वनस्पति एवं औषधि का देवता पूषण है। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्यानी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। कौन थी ज्ञान की देवी? सरस्वती। जंगल की देवी अरण्यानी, अरण्यानी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुहा, त्रुवस्त्र, त्रिवी, पुरु तथा भरत आदि जानों का लोप हो गया। शतपत ब्राह्मण में क्रू और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छंदो गोपनिषद से ज्ञात होता है कि क्रू जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा। छंदो उपनिषद से हाँ
उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज थे। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन प्रमुख राज थे? काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग। अंग। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक पंचाल के राजा प्रवाहन, जालवी, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। बताइए, ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा के उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है किस ब्राह्मण में? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यत्र पृथ्वी का शासक एकराट होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या क्या गया? समुद्र पर्यत्र पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु का देवता कहा गया। छंद गोपनिषद और वृहदारण्यक उपनिषद में उद्वालक, अरुणी एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति दो प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा के निरुक्तता पर नियंत्रण रखती थी। वैदिक काल में प्रजापति की दो पुत्र, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जानों की सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा के ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। सभा के ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख मिलता है? 8 बार उल्लेख मिलता है सभा को। ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। उत्तर वैदिक काल में सभा में भाग जो लेती थी महिलाएं, उसकी भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं काल तथा तक समिति का प्रभाव कम हो गया और वह यह केवल परामर्श दायनी परिषद ही रह गई। राजस्वीय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्नी के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग होती थी। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक कितनी रत्न है? 12 रत्नियों का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोवी कर्तन तथा रथकार का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसी यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसी यज्ञ का विस्तृत वर्णन किस ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में है। राजसी यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। राजसी यज्ञ में राजा का अभिषेक कितने प्रकार के जल से किया? 17 प्रकार के जल से, 17 प्रकार के जल से किया जाता था। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। सामाजिक पितृत्व सत्तात्मक था। सामाजिक कैसा था? पितृत्व सत्तात्मक। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजीगर्त ने अपने पुत्र सुनय सेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। किस ब्राह्मण में चारों वर्णों का कर्तव्य का? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में चारों का। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। शूद्र के तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया। बृहदारण्यक उपनिषद में ज्ञानवल्य गंगार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है। छंदोप उपनिषद में केवल 3 आश्रयों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। छंदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रम का मिलता है और 4 आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है? ज्वालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, देखिए ब्रह्मचर्य में 25 वर्ष, गृहस्थ में 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ में 50 से 75 वर्ष और सन्यासी में 75 से 100 वर्ष में। चार तरह का जो है ना, चार तरह का मतलब कि आश्रम, चार तरह का आश्रम का उल्लेख मिलता है। आप कैसे कैसे, अभी हम लोग ब्रह्मचर्य जीवन में है इसलिए कि हम लोग का उम्र 25 साल हुआ, आज जैसे हम लोग को गृह जीवन में जाएंगे 25 से 50, वन प्रश्न में 50 75, संन्यास में 75 से 100 सन्यासी जी, वन के लिए 50 से 100। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। जी सर। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्करण वसंत में, वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगति मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीवों को पार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्राह्मणी ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्रदान करती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधो वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को कितने अनुष्ठान, 5 को महायज्ञ करना पड़ता, 5 अनुष्ठान करना पड़ता था, महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ है, ब्रह्मा देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ। देखिए ब्रह्म यज्ञ जो है ना, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना, देव यज्ञ देवताओं का सम्मान, भूत यज्ञ सभी प्राणियों का कल्याणार्थ, पितृयज्ञ पितरों के तर्पण हेतु, मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चार भूत यज्ञ होते थे, हाँ भूत सभी प्राणियों के कल्याण था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख, चारों क्रियाओं का उल्लेख किस ब्राह्मण में है, शतपथ ब्राह्मण में। ये है जुताई बुआई कटाई था मराई। हाँ, काठक संहिता में 24 बेलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ, उत्तर वैदिक काल के उत्तर भारत में किसमें प्रचार हुआ, लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। तैतृय संहिता में ऋण के लिए कुशीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार के लिए कुशीदीन शब्द मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में उधार के लिए कौन शब्द मिलता है, कुशीदीन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयों थी, निष्क, शतमान, कृष्णन, पाद आदि। कृष्णन संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। कृष्णन किसकी मूलभूत इकाई थी, बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रिक्तिका भी उसी के समान थे। रिक्तिका को साहित्य में ताला बीज कहा गया, तुला बीज कहा गया। रिक्तिका को क्या बोला गया, तुला बीज। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाज स्ने संहिता एवं तैतृय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख है रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जूकार आदि। स्त्रियां रंगाई, स्वीकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में व्यापार कैसा था, वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। ऋग्वैदिक काल में वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया है। ऋग्वेद काल में वरुण, इंद्र आदि का स्थान कौन ले लिया है, प्रजापति विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया है। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियों गौण होने लगी। राजस्वीय अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्ठो यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिलता है, पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। दोबारा जन्म ले सकता है। उपनिषद में ही ब्रह्मा एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। पुरुषार्थ की संख्या 4 है, कौन कौन, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। धर्म, अर्थ तथा काम को क्या बोला गया, त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। गृह सूत्रों में किसने 16 प्रकार, ये हैं गर्भाधान,
पहला संस्कार है। पुंसवन, सीमंतोयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चुरा कर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्योष्ट। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। गृह सूत्र में कितने प्रकार का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। यह ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पेशाच विवाह। ब्रह्मा देव आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पेशाच विवाह। इस तरह से मेरा ये हो गया। आप क्वेश्चन आंसर करते देखिए। आर्य सब इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अब देखिए, क्लास की संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है क्या? एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। त्रयी नाम है तीन वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में पड़ता है। बताइए, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028। ऋग्वेद है ऋचाएं 10552। बताइए, ऋग्वेद है, ऋग्वेद एक है स्रोतों का संकलन, स्रोतों का सुनने वाला। बताइए, मिलान करने वाला ऋग्वेद का, ऋग्वेद इतरई हो जाएगा, इतरई ब्राह्मण का। सामवेद का 25, अथर्ववेद का गोपद, यजुर्वेद का सतपद। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इतरई ब्राह्मण ग्रंथ। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः स्वयं को समर्पित है? नौवें मंडल पूर्णतः स्वयं को समर्पित है। यह 42वां बीपीएससी में पूछा है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इसपे पर नामकृत देवता। ये भी पूछा है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। भारत में किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अतरंजी खेरा। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। बताइए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कंठोपनिषद से। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कंठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? अश्वपति शासक थे। कहाँ के? केकई के। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? पहले होगा वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? चेनाब। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रूमू। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। बताइए, वैदिक नदियों और आधुनिक नाम, कुंभा का आधुनिक नाम बताइए? काबुल। पुरुषनी का अधिक नाम? रावी। सतानीरा? गंडक। सूत्रिदी या सतुदी? सतलज। बताइए, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है? प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को पुरोहित मान। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में, किस अर्थ में हुआ? सिक्का में। ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग होता था आभूषण के रूप में, लेकिन परवर्ती काल में सिक्का का प्रयोग।
ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गला का। निष्क गला का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। निशाका स्वर्ण आभूषण। बताइए बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अथी मिलता है। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वेदों में क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। बोगस गई। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आगे आने की सूचना देता है? बोगस कोई अभिलेख। चौदहवीं सदी ईस्वी पूर्व का एक उल्लेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ? बोगस कोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ बताइए। जिसमें पुरुष का उल्लेख हुआ है, पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद के 30वें अध्याय कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण था कृष्ण यजुर्वेद के 33 ब्राह्मण में वर्णित है पुरुष मेध का। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से ऋषि संबंधित कौन थे? गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? गुरु और पंचाल को। गोत्र शब्द का सब प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्म कांड में। ऋग्वेद में जनता मुख्यतः बलि और कर्म कांड में विश्वास करती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के। 42वां प्रश्न पूछा हुआ। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? सरस्वती। मातेतमा देवीतमा एवं नदीतमा सरस्वती ऋग्वेद में सबसे पवित्र है। सरस्वती। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंच जन से संबंधित नहीं है। यदु पुरु तुर्सर्व और किकिट। किकिट नहीं है। किकट। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त क्या है? जो। बताइए ऋग्वेद पनी किस वर्ग के नागरिक थे? किस वर्ग के थे? व्यापारी थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा कैसी थी? मंत्री परिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है? अथर्वेद में। सभापति की दो पुत्री अथर्वेद में। ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? सभा। आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्वेद में। ऋग्वेदिक धर्म था कैसा? बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्ति समर्पित है किसको? इंद्र को। निम्नलिखित में से किसे अग्नि को 200 बार इंद्र को। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता को समझा जाता था? इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है? अग्नि से। अग्नि वरुण विष्णु यम इसमें अग्नि होगा। अगर इंद्र देता तो इंद्र होता। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण युग। बताइए गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद बता।
गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र रचना विश्वामित्र ने की थी। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर और वंशानुचरित संकेत है पुराणों के, बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। सत सहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भवत हुई है? धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है कहाँ का? उपनिषदों का है। उपनिषद का है, उपनिषदों का। किस उपनिषद का सर्वाधिक अर्थ सफेद घोड़ा है? सफेद घोड़ा श्वेतास्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया, श्वेतास्वर उपनिषद का। सत्य काम जावल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छंदोग्य उपनिषद में। देखिए सत्य काम जावल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने की लांछन की चुनौती देती है छंदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या? ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है? गाय को। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है गाय के लिए। ऋग्वेद काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। सिंधु घाटी सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए। एक बगल दिया सिंधु घाटी उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, मध्य काल। दूसरी बगल दिया है चारागाह, जमींदार, कृषक और नगरीय। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किसे मिलेगी? नगरीय था। उत्तर वैदिक काल कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्य काल जमींदारी। बताइए प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? कोष नहीं है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार के 12। 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाता था? उपाध्याय। क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। आज हम सब लोग इतना ही रहने देते हैं।